जी अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको वीडियो में बेबी दिखाई दे रहा है, इसकी ब्रीथ देखें, ब्रीथ का पैटर्न कैसा है और सांस लेने की रफ्तार कैसी है। ये इसका रीज़न क्या है, ये नर्सरी के अंदर है, इनक्यूबेटर के अंदर। सम टाइम ऐसा होता है कि बेबी वॉमिट करते हैं या चेस्ट कंजेशन होती है और इसमें नेगलेक्ट होते हैं बेबी, और वॉमिट सांस की नाली में चली जाती है जिस वजह से चॉक हो जाती है, या तो बेबी के अंदर टॉलरेंस की सलाहियत नहीं होती, निकलने की सलाहियत, वॉमिट करने में अक्सर अवेयरनेस ना होने की वजह से सांस की नाली में चला जाना और सीना बंद हो जाना, इस वजह से बेबी के फेफड़ों में फ्लूड भर जाता है या कोई भी पेट से आने वाला पानी भर जाता है, तो इस वजह से बेबी के एक्सपायर या कोलेप्स होने के चांस भी मिनटों में चला जाता है, क्योंकि 2 या 3 मिनट में अगर वो फेफड़ों की नाली से सक्शनिंग करके ना निकाला जाए तो ये कंडीशन हो जाती है। आप देख सकते हैं बेबी के सांस लेने का पैटर्न और कंडीशन, ये अवेयरनेस ना होने की वजह से बेबी का ये हाल हो जाता है कि नेगलेक्ट होने की वजह से। अब कंडीशन देख सकते हैं बेबी के, हमेशा इसमें क्या करना चाहिए कि अगर वॉमिट करते दौरान बेबी को करवट करा देनी चाहिए और बैक साइड पे फिजियो करनी चाहिए ताकि सांस की नाली में गया हुआ फॉरन फ्लूड बाहर आ सके, ताकि उसमें हेल्प आउट हो सके और सांस की नाली बंद होने से रुक सके।